लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बॉलीवुड फिल्म गद्दर एक प्रेम कथा बनाने वाले अनिल शर्मा एक बार फिर से चर्चा में हैं। जी हां, गद्दर में सनी देओल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की कहानी और किरदार दोनों ही जबरदस्त थे। फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई बल्कि आज भी लोगों के जेहन में बसी हुई है ये फिल्म। फिल्म में सनी देओल की पत्नी की भूमिका में अमीषा पटेल नजर आई थी। गदर में अमीषा पटेल और सनी देओल का एक बेटा भी था जिसे उत्कर्ष शर्मा ने निभाया था। उत्कर्ष कोई और नहीं बल्कि गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। इस फिल्म में जितना अमीषा पटेल और सनी देओल की चर्चा हो रही थी उतनी उत्कर्ष की भी हुई। उत्कर्ष अब बड़े हो चुके हैं और जल्द फिल्म जीनियस से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। फिल्म में जितने कमाल के उत्कर्ष लग रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म लोगों को जरूर पसंद आने वाली है। फिल्म के पोस्टर्स लोगों के बीच एक्साइटमेंट जगाने में कामयाब रहे थे। ट्रेलर देखकर फिल्म की कहानी को समझा जा सकता है। ट्रेलर की शुरुआत मिथुन चक्रवर्ती की आवाज से होती है। ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी रॉ में काम करने वाले ऐसे जीनियस लड़के की कहानी होगी जो देश में शांति स्थापित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। वैसे फिल्म में इस लड़के का रास्ता इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसके सामने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा जबरदस्त एक्टर खड़ा होगा। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं।